वेटर। एक गांव में आलसीराम नाम का आदमी रहता था। वो अपने बाप के पैसे से खाता था, घूमता था, पर कोई काम करता नहीं था। ऊपर से वो खाने का बड़ा शौकीन था। तीनों वक्त बढ़िया सा खाना पकवाता था और खाता था। उसकी बीवी पकाती तो, अरे रे प्याज को थोड़ा और भुनो तो, आंच कम करो, आंच कम करो, आलू देखो कितना उबल गया है, इस तरह तो सब्जी का पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। अरे रे तेल 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 थोड़ा और डालो और ये नमक मिर्च को चख लो। वो बीवी के पीछे पड़ा रहता था। अरे धर तेरे की, हर बात में बीच में क्यों घुसते हो? अब खुद ही खाना क्यों नहीं पका लेते? तंग करके छोड़ दिया आपने। वो डांटती रहती थी। एक दिन आलसीराम एक होटल आ पहुंचा। बोर्ड पे लिखा था आना मत होटल। बोर्ड को ताकते हुए वो अंदर गया। अंदर मालिक काउंटर पर और वेटर मेज पर सो रहे थे। हेलो हेलो महाशय, उठिए तो। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों चौंक कर उठ बैठे। अरे ये क्या नाम है, आना मत होटल? अरे वो मेरा पेंटर है ना, उसे अमानत होटल लिखना था, आना मत होटल लिख दिया। अरे नाम को आप छोड़िए ना, बैठ जाइए, खाना खाइए, जाइए। फिर आलसीराम जाकर एक टेबल पर बैठ गया। क्या खाएंगे सर? एक बटर पनीर डोसा ले आना। वेटर जाने वाला था, इसने रोक लिया। अरे रुको रुको, पूरी बात खत्म तो कर लेने दो। डोसा कैसे बनाना है बताता हूँ, सुनो। गरम तवे पर छस करके पानी मारो, फिर उसे अच्छे से साफ करो। फिर ताजा डोसे का बैटर लेना और उसे तवे पे डाल देना। फिर कलछुल से घुमाकर उसे पापड़ की तरह पतला बना देना। फिर ताजा कटा प्याज को लेकर, मतलब प्याज बारीक ना कटा हो और बड़े बड़े टुकड़े ना हो, सुंदर सा कटा हो, और उसे डोसे पर यूं यूं छिड़का देना। फिर बारीक कटा हुआ कैरेट को लेकर उसे भी उस पर छिड़का देना। इसके बाद 20 चम्मच घी उसे बड़े प्यार से डोसे पे छलका देना। फिर शुद्ध देसी बटर लेकर उसे आराम से लगा देना। ऐसे लगाना कि डोसे के ऊपर मक्खन ही मक्खन हो। फिर खुशबूदार मसाले का पाउडर, उतना ज्यादा भी नहीं और उतना कम भी नहीं, डोसे पर आराम से छिड़का देना। फिर चेक कर लेना कि डोसा पका कि नहीं। ध्यान देना कि ज्यादा ना पके और कम भी ना पका हो। इसके बाद थोड़ा सा घी और छिड़का कर डोसे को दोनों तरफ से सेक कर एक धुली हुई प्लेट में डाल के जल्दी ले आ। समझ गया? सर जी को एक बटर पनीर डोसे, चिल्लाता हुआ वहां से चला गया। आलसीराम को गुस्सा आया। अरे मैंने उसे इतनी देर तक समझाया और वो बटर पनीर डोसे चिल्ला के यहाँ से चला गया। आने दो, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, याद रखेगा। इतने में वेटर डोसा ले आया और टेबल पे रख दिया। उसे खाकर आलसीराम ने कहा, छी छी कितना गंदा है, मैं नहीं खाऊंगा। बताओ कितने पैसे हुए, भर देता हूँ और मैं जाता हूँ। अरे ये क्या सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही बनाया है। अच्छा क्यों नहीं लगा आपको सर? तुमने तो मेरी बात सुन ली, पर जिसने बनाया उसने नहीं सुना ना। अरे क्या बात कर रहे हो सर, आप जितनी दूर से भी बोलो वो सुन लेता है। चलो जैसी आपकी मर्जी। मालिक 70 रुपए का बिल हुआ है। क्या 70 रुपए? इस डोसे का 70 रुपए? कहकर उसने प्लेट फेंक दिया। मालिक डोसा फेंक दिया तो 50 और जोड़ देना, पूरा 120 रुपए हुआ है मालिक। क्यों भाई मजाक कर रहे हो, मेरे बारे में पता नहीं है तुम्हें? बता दे रहा हूँ। मालिक वेटर को गाली दिया, 100 रुपए जोड़ के पूरे 220 का बिल बना दीजिए। गुस्से में आलसीराम ने उस पर हाथ छोड़ दिया। एक थप्पड़ का 100 रुपए मालिक, 400 जोड़ देना, पूरा 620 का बिल हुआ है। मैं नहीं भरूंगा, क्या कर सकता है तू, आलसी ने कहा। होटल का मालिक आकर बोला, ए तू हमारे बारे में जानता नहीं है, ज्यादा बकबक करेगा ना, होटल के पीछे कुआं है, हाथ पैर बांधकर उसमें डाल दूंगा, समझ गया? अंदर तुम्हारे जैसे कई लोग कुएं में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डालू क्या कुएं में? आलसीराम डर गया, उसने पैसे भर दिए। अब समझ में आया इस होटल का ये नाम क्यों रखा है। जादुई पंखा। बहुत पहले एक गांव में एकनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके दुकान पर फैन, टीवी, मिक्सी वगैरह का रिपेयर होता था। उसके बेटे का नाम था टिंकू। उसको रिपेयर करने में दिलचस्पी होने के कारण जब भी मौका मिलता पिताजी के दुकान पर ही बिताता था। एकनाथ की एक शादी की उम्र वाली बेटी भी थी। उसकी शादी के लिए पैसे ना होने के कारण एकनाथ बहुत दुखी था। ये बात टिंकू भी जानता था।
एक दिन टिंकू ये पुराना पंखा शहर में जाकर बेचो और जो पैसे मिले उससे तुम जो चाहे खरीद लेना। जब भी तुम कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें यूं ही कुछ बेचने के लिए देकर पैसे लेने के लिए कहता हूँ, इसका बुरा मत मानना बेटा। तुम तो जानते ही हो घर की हालत कैसी है। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मांग लूंगा। कहकर वो पंखा लेकर वहाँ से चला। वो यूं गांव से निकलकर जंगल के रास्ते से जा रहा था कि एक पंछी जमीन पर पड़ी नजर आई। टिंकू ने तुरंत पानी लाकर उस पर छिड़क कर उसे पानी भी पिलाया। तब वो पंछी होश में आई और हवा में उड़ गई। धन्यवाद टिंकू, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। टिंकू ने अपने घर की हालत उस पंछी को बताया। मैं तुम्हें सोना बनाकर तो नहीं दे सकती, लेकिन उस पंखे की सहायता से तुम उठ सको ये मैं कर सकती हूँ। उसके सहारे यदि तुम मेरे साथ आए तो मैं तुम्हें स्वर्ण लोक दिखा सकती हूँ। ये बात सुनकर टिंकू खुश हुआ और पंखे को उल्टा पकड़ा। बस वो घूमने लगी और हवा में उड़ने लगी। यूं टिंकू पंछी के पीछे उड़ने लगा। यूं वे दोनों पहाड़, ढलान, समुन्दर सब पार करते हुए जाने लगे। आखिर में वे एक प्रदेश में जा उतरे। वहाँ जान देखो सोना ही सोना था। टिंकू तुम जितना चाहो ले लो, यहाँ से जल्दी जाना होगा, यहाँ ज्यादा देर तक रुकने में खतरा है। मुझे मेरी दीदी की शादी के लिए और गरीबी दूर करने के लिए जितना चाहिए उतना मिले तो बहुत है, मुझे ज्यादा की लालच नहीं है। कहकर एक सोने की थैली उठाया। फिर वे हवा में उड़ने लगे। यूं उड़ते उड़ते फिर वे जंगल में आ उतरे। पंछी को प्रणाम कर टिंकू अपने घर के लिए लौटा। घर लौटकर टिंकू ने घर वालों को जो हुआ सब बताया। उसके बाद सोना बेचकर जो पैसे मिले उससे एकनाथ ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से किया। टिंकू की माँ कोई भी बात छुपा नहीं सकती थी। शादी में दूर के रिश्तेदारों में एक औरत, भाभी बेटी की शादी तो आपने बड़े धूमधाम से की है, लगता है काफी खर्च हुआ है। बुरा ना माने कि मैं ऐसे पूछ रही हूँ, कोई जमीन जायदाद बेचा है क्या शादी के खर्चे के लिए। बस टिंकू की माँ ने पंछी वाली सारी कहानी सुना डाला। उसने जाकर अपने लालची पति गजेंद्र को सब बताया। अच्छा तो ये बात है, जिनको खाने के लाले पड़े थे इतने धूमधाम से शादी कैसे कर पाए यही सोच रहा था, तो ये है इसका राज, मुझे तुरंत उस पंछी को ढूंढना होगा। अगले दिन गजेंद्र एक पंखा लेकर जंगल में पंछी को ढूंढने लगा। बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब वो पंछी ना दिखी तो वो चिढ़ गया। उसके बाद एक जाल बिछाकर उसमें कुछ फल डालकर वो चला गया। अगले दिन लौटकर देखा तो उसमें एक पंछी फंसी हुई थी। ए मानव कृपया करके मुझे बचाए, जो सहायता चाहो मैं करूंगी। अरे जानते हो मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, चुपचाप मुझे स्वर्ण लोक ले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। नहीं नहीं ऐसा ना करना, मैं वहाँ जरूर ले जाऊंगी पर वहाँ ज्यादा देर ठहरना खतरनाक है। यूं गजेंद्र हवा में उड़ने लगा और पंछी रास्ता दिखाने लगी। तो यूं उड़ते हुए स्वर्ण लोक जा पहुंचे। बाप रे इतना सारा खजाना, ये सब मुझे चाहिए, दुनिया में सबसे धनवान बनना है मुझे। सोना इकट्ठा करने लगा। ए मानव बहुत हो गया, अब चलो, इतना सोना तुम क्या करोगे, बहुत देर हो चुकी है, अब चलो चलते। अरे बंद करो बकवास, अब मुझे तुमसे क्या काम, ये पंखे की मदद से मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। उसने कहा, पंछी वहां से उड़ गई। वो और सोना जमा करने लगा। इतने में एक नर और मादा राक्षस वहां आए। गजेंद्र को देखकर एक दूसरे को देखा, बाद में उसे पीछे से जाकर खुजाया।
वो ध्यान ना देकर सोना जमा करने लगा। उन राक्षसों ने उसे फिर खुजाया। अरे कौन है, कोई और काम नहीं है क्या, कहकर पीछे मुड़ा। बस राक्षसों को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे लोक में आकर मेरा सोना ले जाओ, कहकर उसे बहुत देर तक पीटने लगे। वो पंखे को पकड़कर, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तब राक्षस ने उसके कमर पर जोर से लात मारा। गजेंद्र पंखे के साथ हवा में उड़ गया। वो यूं उड़ते उड़ते फिर से जंगल में आ उतरा। फिर कभी उसने जिंदगी में लालच नहीं किया।